Good morning, my dear children. आज क्लास सिक्स का पहला चैप्टर द क्रैंकी मकाउ जो पढ़ाए हैं उस बच्चे को असुविधा हुई होगी कहानी समझने में, उसको पुनरावृत्ति एक बार फिर कर देते हैं। एक बूढ़ा नाविक रहता है और उसका सबसे प्रिय साथी एक बर्ड रहता है जिसको हम मकाऊ भी कहते हैं, जो अमेरिकन देश का एक बर्ड है। उसी को नाम इसमें क्रैंची कुक भी है इस कहानी में। तो आप कैसे समझें कि एक बूढ़ा नाविक के पास एक चिड़िया था, वह उसका परम मित्र था, परम साथी था, सबसे गहरा संबंध उस चिड़िया से था। उसको वह चिड़िया आम चिड़िया से अलग था, स्पेशल था, वह आदमी के समान बोल भी सकता था। वह पुलिस का जो सायरन होता है उसका आवाज निकालता था, बंदूक का आवाज निकालता था, इसमें ये विशेषताएं थी। वह उसका परम साथी था। जॉनी जय नाविक का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड सेलर? तो आप कहेंगे जॉनी जय। तो जॉनी जय वह हमेशा समुद्र में रहना पसंद करता था, समुद्री यात्राओं पर रहना पसंद करता था। वह ज्यादा पृथ्वी पर आना नहीं पसंद करता था, इसलिए ग्वेंका में एक छोटा सा अपना घर बनाया था और उसी के नजदीक उसका परिवार रहता था। कभी कभी जब वह रहना चाहता था समुद्र से हटके तो वह ग्वेंका में आकर के अपने छोटे से घर में रहा करता था। उनकी एक बहन का नाम है मैसी में। तो मैसी में कभी कभार उनसे बड़े थी उनकी बहन मैसी में, वह नाविक से मिलने जाती थी। एक बार की बात है कि वह उनसे मिलने गई किससे, सेलर से, जिसका नाम जॉनी जय था, लेकिन वह उस दिन घर में नहीं था। तो वह उनके पार्लर में यानी अतिथि गृह में निर्णय की कि भाई यही हम आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। वह सोने चली गई, वह मकाऊ पर ध्यान नहीं दी, यानी इस क्रेजी कुछ पर ध्यान नहीं दी। वह उसका एक मेटर था कि वह पुस्तकों के बीच में या किसी वस्तु के पीछे छिप जाता था। वह जॉनी जय के साथ फिल्म भी देखना पसंद करता था, यह सब उसकी विशेषता थी उसके लिए। तो वह पुस्तक के पीछे छिप करके वह गुनगुना रहा था, मरमरी कर रहा था या आराम कर रही थी इनकी बहन। तब तक ऐसी घटना घटित होती है कि चोर खिड़की से वह उनके कमरे में प्रवेश कर जाता है और जल्दी जल्दी शांतिपूर्वक सामान को उठा करके थैला में रख रहा है। तब तक मकाऊ की नजर पड़ती है तो मकाऊ बोलता है कि इंग्लिश में कि यू किल मी, लीव मी लोनली, यू सेंड टू जेल, ऐसे कुछ कहता है कि मैं जेल भेज दूंगा। तो यह आवाज सुन करके जो चोर है वह घबरा जाता है और एक पत्थर से उसको ठोकर लगती है और घबरा करके वह भागना चाहता है। तब तक या मेसी में जो इसकी बहन है सेलर की, वह कुर्सी से उस पर प्रहार करती है, वह टेबल से टकराता है और वह घायल हो जाता है, वहीं मूर्छित हो जाता है। उसके बाद या मेसी में पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस आती है और फिर गिरफ्तार हो जाता है। जब गिरफ्तार हो जाता है फिर मकाऊ या जो बोलने वाला जो चिड़िया है फिर कहता है
जब पुलिस का साइलेंस का आवाज निकालता है, फिर कहता है कि तुमको जेल भेज देंगे, और कहता है कि लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल, इस बात की फिर पुनरावृत्ति करता है। इसकी आवाज़ सुनकर के पुलिस अस्तबल हो जाते हैं कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है। बाद में पुलिस को समझ में आती है कि यही चिड़िया है जो मेसी में को घायल होने से, चोटिल होने से बचाई है, और यह सामान को भी सुरक्षित रखा है, और चोर को पकड़वाने में यही मेसी, यही माता को मदद किया। यही कहानी है, और कहानी को समझते हुए आगे अब एंसर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। बोर्ड पर लिख दिए हैं बेटा, इंग्लिश क्लास 6 कॉम्प्रिहेंशन है, जब बुक आप लोग खरीदें और पढ़ें देखें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर वर्ड। पहला यहाँ है कि कंप्लीट द नीचे दिए गए वाक्य को अपने शब्दों में पूरा करना है। जॉनी जे एंड क्रेजी कुछ did not like to be in the company of many people because Johnny Jay और Crazy Coot, वही चिड़िया, did not like, नहीं पसंद करते थे अनेक लोगों के साथ रहने में, रहना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि meeting people always made them cranky, यानी लोगों से मिलना जुलना हमेशा उनको क्या बना देता था, बदमिजाज बना देता है। क्रेंकी का अर्थ होता है बदमिजाज बना देता है। दूसरा वाक्य है, क्रेजी कुट नॉट एन ऑर्डिनरी पेट, क्रेजी कुट एक साधारण पालतू जीव नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड कुड स्पीक लाइक ह्यूमन, वह बहुत तेज था और वह मानव के समान बोल सकता। तीसरा वर्ड, तीसरी सेंटेंस, क्रेजी कुड पुट ए स्क्रीन एट मिसी मे पर वेवली, संभवतः क्रेजी कुड मिसी मे पर ताना कसा करता था, व्यंग करता था, उनको देख करके चिढ़ाता था, क्योंकि क्यों चिढ़ाता था, क्योंकि वह जो मकाव था वह उनको पसंद नहीं करता था। ही डिड नॉट लाइक हर, हम लोग देखे हैं वह उन पर ध्यान नहीं देती थी, इसलिए वह उनको पसंद नहीं करता। ही डिड नॉट लाइक हर, जबकि अभी दो वाक्य और बाकी है। ये चौथा सेंटेंस है, द पुलिस वेयर सरप्राइज व्हेन दे रियलाइज हाउ मेनी सी मेन इज देयर, पुलिस आश्चर्यचकित था कि जब वह महसूस किए पुलिस वाले लोग कि हाउ मिसी में इस कैब, कैसे मिसी में बच गई हैं, बिकॉज क्योंकि सी वाज सेव्ड बाय ए टॉकिंग बर्ड, एक बातचीत करने वाली चिड़िया के द्वारा वह बचाई गई थी। आप पैरट भी लिख सकते हैं, मकाऊ भी लिख सकते हैं, बर्ड भी लिख सकते हैं। तो आज यह आपका कॉम्प्रिहेंशन है, फिर कल आंसर क्वेश्चन लिखाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आप तो जानते हैं कि आप लोग के सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आप विदाउट हेजिटेशन मेरा नंबर ले लीजिए और कॉल करके आप किसी भी प्रकार को समझने में दिक्कत होता आप बातचीत कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है